हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना होगा। गूगल में आपको लिखना होगा JEE CUP, इसे वो लिख कर हमें सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला साइट आएगा उसे हम ओपन कर देंगे। जैसे हम ओपन करेंगे तो हम यूपी पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। हम उसे नीचे कर देते हैं। नीचे जैसे हम आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा ग्रुप ए, और उसके नीचे लिखा हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर ग्रुप बी और के। जिस ग्रुप में आपने भरा है उस ग्रुप को आपको ओपन कर देना है। यहाँ पर हम एक ग्रुप पे ओपन कर देते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लिया है ग्रुप ए। आप जो भी ग्रुप का लिए रहेंगे वहाँ पे आपको ओपन करना है। फिर उसके बाद आप दूसरे ऑप्शन में आएगा एप्लीकेशन नंबर। फॉर्म भरते वक्त आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, उसमें सभी एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिया रहता है। तो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है, और दूसरे ऑप्शन में आपको डालना है पासवर्ड, एक पासवर्ड दिया होगा। उसके बाद आपको इस तीसरे नंबर में आया है इंटर सिक्योरिटी पिन। इंटर सिक्योरिटी पिन में आपको ये चीज़ को आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको साइन इन के ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और दूसरा नियम यह है कि कुछ लोगों का डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो पासवर्ड भूल चुके हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। तो क्या करना है, इसे हम ओपन कर दें। इसे हम ओपन जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन और मिलता है यूजिंग। तीन ऑप्शन में सबसे जो दूसरा है वो सबसे अच्छा है। आप जब फॉर्म फिलअप करने गए होंगे तो आपने एक मोबाइल नंबर दिया होगा दूसरे नंबर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजिंग योर वेरीफिकेशन कोड सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज, यानी कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को यानी कि एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो दूसरे नंबर पर आपको टिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अपना दूसरे में आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे आपको सबमिट कर देंगे, वैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।